तो सबसे ये जो हाईलाइट वाले एरिया है इन्हें आराम से छोड़ना, ठीक है, धीरे धीरे करते जाओ ऐसा। अब एक बात ध्यान रखना, धीरे का मतलब ये नहीं होता कि 10B को बहुत ज्यादा लाइटली यूज कर रहे हो। अपन को 10B को अच्छे से करना, पता हाथ के नीचे एक पेपर रख लेना ताकि खराब ना हो स्केच अपना। अपन को ये वाला हिस्सा करना है, तो जैसे अपन ने पहले करा था आराम आराम से स्ट्रोक्स लगा रहे हैं, पेंसिल शार्प रखना पूरे टाइम। तो अपन ने जैसे 6B वाली लेयर करी थी, सेम उसी तरीके से 10B वाली करनी है, साथ साथ करते जाओ। जो हाईलाइट है उन्हें हल्के से छोड़ना, ऐसे पूरा मत करना कि पूरी छोड़ दिए, बीच बीच में थोड़े से स्ट्रोक्स लगा लेना, पूरा भी नहीं भरना है, ठीक है। यहाँ वालों पे ध्यान देना जब मैं करूँ, क्योंकि इनमें जो आएंगे वो ऐसे स्ट्रोक्स थोड़े आगे के हल्के, ऐसे नहीं कि इसमें कोई परेशानी नहीं है, या पीछे से वापस लाओ, ठीक है, इस तरीके से करना है। डाउट आता जाए पूछते जाए, ठीक है। चेहरे पे एकदम आगे की तरफ जो है, यहाँ पे तो टेन की पूरा भर के लाने की जरूरत नहीं है, आराम से करना, धीरे से लाओ, ठीक है। या एकदम यहां से चालू नहीं करना 10B, थोड़ा यहां से करना ऊपर से, एक आध तो नीचे आ सकते हैं ऐसे, उसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन पूरे ऐसे यहां भर मत देना। देखो आराम आराम से करना, ये जो नीचे की तरफ आ रहे हैं इन्हें धीरे धीरे करते जाओ एकदम। मैं क्या बोल रहा, मेरी स्पीड मैच मत करो, अपनी स्पीड से करो धीरे धीरे। और पेंसिल का जो शार्प पॉइंटेड एरिया है ना, उसे यूज करो। अगर पूरी पेंसिल ब्लंट हो गई है तो उसे शार्प करो और फिर उसे यूज करो, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा, इसमें क्या करना, थोड़े आगे की तरफ लिया अपन ने हाईलाइट की तरफ, यहाँ पे पहले थोड़े पीछे की तरफ ले जाओ ऐसे, ठीक है। ऐसे बीच में जो व्हाइट सी एरिया छूटेगा उसे आराम से भरना, ऐसे नहीं कि उधर शेड करने बैठ गए, स्ट्रोक्स ही लगाने अपन को ये पीछे की तरफ, ठीक है। अब ये वापस इधर की तरफ आएंगे स्ट्रोक्स यहीं से, ठीक है। तो ये ऊपर से ऐसे यहाँ आना चालू हुए, धीरे धीरे करते जाओ यहाँ पे। मैंने क्या बोला, एकदम से पूरा एरिया नहीं छोड़ देना, हल्के हल्के बीच में शार्प पेंसिल से स्ट्रोक्स लगा लो थोड़े थोड़े। ये हुआ अपना, तो ये अपना स्ट्रोक्स अच्छे से लग जाते, तो ये जो पूरा एरिया है अपना, बाल जो अपने हैं फाइनली कंप्लीट हो जाते हैं। 10B के सारे स्ट्रोक्स लग जाते हैं। अपन ने 3 लेयर लगाई है इसमें, कौन कौन सी, HB, फिर 6B और फिर ये 10B। अब अपन को बहुत केयरफुली 10B को ब्लेंड करना। अब अपन ब्रश लेंगे, ब्रश से जैसे अपन ने पहले की लेयर्स करी थी वैसे ही से ब्लेंड कर देंगे, आराम से करना, चेहरे पे नहीं आना चाहिए 10B। अब देखो जैसे गलती से अगर बहुत ज्यादा नहीं छोड़े तुमने, मतलब भर दिए तो कोई परेशानी नहीं है, अगर ऐसे पूरे खाली छोड़ दिए तो मैकेनिकल पेंसिल लो, स्ट्रोक्स लगाना बीच में ऐसे चालू कर दो, क्योंकि ज्यादा ही खाली छूटा हुआ अच्छा नहीं लगता, ठीक है। पहले स्टार्टिंग से छोड़ के चलो, क्योंकि क्या रहता है एंड में तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हें अगर और भरने हैं तो भर सकते हैं अपन, लेकिन इरेज करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हल्का हल्का अपन ने मैकेनिकल पेंसिल से बीच में स्ट्रोक्स लगा दिए जहाँ ऐसे खाली खाली सा लग रहा था, ठीक है। इस तरीके से अपन ने पूरा ब्लेंड भी कर लिया और ये अपने हेयर्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं पूरे, अपने हेयर्स एकदम मस्त है, ठीक है। तब इतना कर लो। Yes, तो अब मैं 8B पेंसिल लेके कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने मूछे से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अब एक बार ध्यान रखना,
अपन को ऐसे भर भर के नहीं लगाने स्ट्रोक्स, अपन पहले लगा चुके हैं तो अपने पास ऑलरेडी एक बैकग्राउंड में स्ट्रोक्स है हल्के, तो मैं रैंडमली भाई ऐसे एक एक ही डायरेक्शन में नहीं लगाऊंगा, थोड़े रैंडमली ऐसे वेव फॉर्म में आएंगे मेरे लिप्स पे, ना लाओ बीच में, थोड़े थोड़े यहाँ पे आएंगे लिप्स पे, जैसे इसमें अपन को रेफरेंस दिख रहा है ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना नोज के ऊपर आने चाहिए, ऐसे रैंडमली लगाते हो, थोड़ा गैप देना ठीक है, बस ऐसे भरना नहीं है अपन को, ओके यहां से स्टार्ट करें फिर अपन ने दोबारा बनाना, ठीक है यहां जाते जाते देखो थोड़े लाइट हो रहे हैं और एक ही डायरेक्शन रेंडमली जो जा रहे हैं थोड़े यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पीछे जाते जाते थोड़े एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो वही चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, पीछे थोड़े लाइट हो रहे हैं तो हल्का सा प्रेशर पीछे लिफ्ट करोगे, एकदम नहीं कि एकदम ही लाइट करना चालू कर दिए, हल्का सा प्रेशर लिफ्ट करोगे तुम लोग और ये पेंसिल थोड़ी लाइट चलने लग गई, ठीक है यहाँ पे आइए, ठीक है इस तरीके से, फिर सेम चीज अपन राइट साइड पे आते हैं, यहाँ पे भी थोड़े ऐसे रेंडमली इतने से एरिया में रेंडमली, और फिर यहाँ एंड पे जाते आते हैं जो है पैटर्न में आने लगेगा, देखो यहाँ पे रेंडमली वाला हिसाब किताब खत्म, अब थोड़े इस एक सिमिलर डायरेक्शन में आने लगेंगे, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे यहाँ जा रहे हैं पीछे, यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो रेंडम वाले खत्म हुए, अब एक डायरेक्शन में आना चालू हुए ये, शार्प रखना पेंसिल ठीक है, और मैं अभी भी बोल रहा एकदम भर के करने की जरूरत नहीं है कि मुझे डार्क करना है तो मैं भर के कर दूं, ठीक है तो इस तरीके से मूछें हो जाती हैं, क्लियर है इतनी बात, ये नीचे वाले करने हैं अपन को, ठीक है तो सेम तरीके से होंगे, बीच में थोड़े डार्क है पीछे आते आते लाइट होंगे, अभी एक बात ध्यान रखना तुम सी शेप कर देते हो या फिर उल्टा, ऐसे थोड़े कर्व शेप में आएंगे ये, देखो थोड़े रैंडमली ऐसे शेप में आ रहे हैं ना, थोड़े बड़े आ गए इधर की तरफ, पीछे जाते आते थोड़े छोटे हो रहे, एक हाथ आगे निकल आया, ये थोड़े लाइट हो गए पीछे जाते आते आ रहे, पॉइंटेड वाले पार्ट से करना अपने पेंसिल के, ठीक है पीछे आते आते थोड़े लाइट हो गए, ठीक है तो इतना अपना हो जाता है, अब जरा यार ध्यान दो रेफरेंस में, ये डार्क है, ये ऊपर जाते जाते डार्क हो रहा है, तो अपन को भी करना है, तो अपन को कौन सा पार्ट करना है सबसे पहले, ये ईयर के पगल वाला, तो ये कैसे करना है, 10B पेंसिल है ये मेरे हाथ में अभी, ठीक है तो यहाँ रख के ऊपर की तरफ ऐसे थोड़े कर्व स्ट्रोक्स लगाओ, ऐसे बाहर तरफ आते हुए देख सकते हो सेम इसी डायरेक्शन में है, फिर ईयर की जो बॉर्डर है ना ऐसे बाहर की तरफ ले जाते थोड़े, ठीक है और इन्हें इधर ज्वाइन कर दिए, ठीक है एक थोड़े बहुत ईयर पे आए ऐसे बाल हल्के हल्के, थोड़े यहाँ पे आए और ये अपना ज्वाइन हो गए, ठीक है तो ये ईयर से जो अपनी दाढ़ी और जो बालों के बीच का कनेक्शन रहता है वो इस तरीके से आता है, तो जरा ये वाला पोर्शन देखना, तो अपन ने सबसे पहले कैसे क्या किया था, जैसे इतने पोर्शन में देखो, इतने पोर्शन में अपन ने क्या किया था, अपन नीचे की तरफ कर्व कर रहे थे, जो जॉ लाइन आ रही ना ये जो एकदम कर्व और स्मूथ, नीचे की तरफ ऐसे कर्व करते जाओ पॉइंटेड वाले पार्ट से करना ताकि एकदम अच्छे आए, इस तरीके से ऊपर भी ले जा सकते हो कर्व करते करते, ठीक है ये वाला जो हिस्सा है ना ये वाला ये बालों का हिस्सा है असल में, तो ये जो हिस्सा अभी दिख रहा है अपन को ये भी डार्क है ऐसे, तो अपन को क्या करना ये बालों का डार्क करने थोड़े और स्ट्रोक्स लगाने, अब अपन को 8B पेंसिल लेनी, ध्यान रखना क्या करना 8B पेंसिल यहाँ पे करना, तो एक बार ये जो बचता है ना इतना हिस्सा है ये वाला देखो, देखना जरा ध्यान से ऐसे थोड़े से कर्व करते करते एक हाथ पाल से ऐसे ज्वाइन कर दिया बस, ये 10B से अब जो आएगा 8B आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 8B को लाइटली यूज कर रहे हैं अपन, 8B को डार्क ही करना है, लेकिन इतना भी भर के नहीं करना है, क्योंकि यहाँ देख सकते हो गिनती के बाल ऊपर आ रहे हैं, यहाँ डार्क था थोड़ा ऊपर डार्क है, वैसी चीज अपन करेंगे
इस तरीके से ऊपर आते जाएंगे, लेकिन थोड़ा गैप देखे, ऐसे भर के नहीं करना अपन को, बीच में थोड़ा गैप रहेगा। और ऐसा नहीं कि छोटे छोटे बना रहे हो, तुमने अगर इतना एरिया यहाँ तक तुम्हारा अगर हल्का दिख रहा है तो तुम्हें थोड़ा सा नीचे रखना है, क्योंकि यहाँ बस हल्के हल्के ऐसे आएंगे। तो ये इस तरीके से, जैसे ये कर्व तुमने यहाँ छोड़ा था तो इसी का कंटिन्यूएशन आगे होगा, ऐसा नहीं कि अपने मन से कहीं पे भी करने लग गए, इसी कर्व का आगे कंटिन्यूएशन होगा, ठीक है। ये सब बसता है तो हल्के हल्के लाइक बीच में रैंडमली थोड़े से स्ट्रोक्स ऊपर आते हुए, अब इतने भी रैंडम नहीं कि यहां से एकदम चीज पे पहुंच गए, आराम से ये एरिया अपना शेड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना एक पार्ट हो जाता है, एक बेसिक का आइडिया जिस तरीके से अपन को बाकी का करना है, इतना करो पहले, अब बाकी का पार्ट भी कर लेते हैं। तो जरा ध्यान देना, डार्क यहाँ था ही 10B वाला, लेकिन यहाँ हल्का हल्का है, यहाँ थोड़े बहुत है, ठीक है, यहाँ भी थोड़े बहुत है, यहाँ पे है, तो अपन को पूरा नहीं करना है, तो अपन को कहाँ कहाँ करना है ये देखो। अब नीचे नीचे हल्के हल्के ऐसे बस रैंडमली क्रिस क्रॉस करता जा रहा हूं मैं, बाहर की तरफ निकलते हुए बाल है, ये 10B से है, ठीक है। ऐसे थोड़ा आगे बढ़ता जा रहा हूं मैं करते करते, शार्प रखना पेंसिल, एक बार ध्यान रखना, ये हल्के से थोड़े ऊपर जाएंगे, ठीक है, फिर ये पीछे की तरफ जाते जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये जा रहे हैं अभी नीचे की तरफ, ठीक है, ये थोड़े ऊपर हुए, अब ये यहाँ पीछे जा रहे हैं, तो ये उतने ज्यादा भरे हुए नहीं है जैसे ये घने थे, ये यहाँ पे घने नहीं है, यहाँ पे देखो हल्के हल्के ही है, ये ऊपर की तरफ जा रहे, तो ये हल्के हल्के करते करते मैं ऊपर की तरफ ले जाना चाहूंगा इन्हें, तो मैं हल्के हल्के बना रहा हूँ बस, ठीक है, कि बस एक आउटलाइन टाइप आ रही है। अब देखो ये ईयर्स के पास की आउटलाइन आ रही है, ये बालों से जाके मिक्स हो रही है, तो ये हल्के हल्के जैसे अपन ने राइट साइड किया था, तो ये देखो अपना 10B का काम हो जाता है। अब बचता है 8B, तो 8B ध्यान दो यहाँ पे थोड़े से है, इधर पे भर के थे, ठीक है, यहाँ पे आते आते कम हो रहे हैं, बीच में थोड़े कम हुए, यहाँ पे कम ऐसे स्ट्रोक्स, तो 8B अपन कैसे करेंगे, बीच से स्टार्ट करो, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ ले जाओ। अब क्या है, इतने एरिया में नहीं करना है तुम्हें 8B, और भर भर के नहीं करना है, ठीक है, मैं पहले ही बता रहा, गैप चलेगा बीच में यहाँ पे, जैसे एकदम डेंस मान लो तुमने डेंस कर दिए भर के, तो यहाँ पे काम करो ऐसे, यहाँ पे हल्के हल्के करते लाओ, मतलब ऐसे यहाँ पे भर दिए तो यहाँ पे भरो, धीरे धीरे कम करते जाओ अपने नंबर ऑफ स्ट्रोक्स जो है उन्हें बीच में लाते आते कम करते जाओ। डायरेक्शन एक बार ध्यान रखना ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि राइट ले जा रहे लेफ्ट ले जा रहे। ये पार्ट हुआ, इसके बाद ये वाला पार्ट होगा, देखो बीच में गैप उतना ज्यादा मत छोड़ो कि पूरा वाइट एरिया लगे, और एकदम भर भी नहीं दो कि फिर अपन को अजीब लगे कि ये कर क्या दिया अपन ने। ठीक है, ये हुआ। अब जैसे इधर पे हल्के हल्के करे थे, या देखो हल्के हल्के बाल थे, ऐसे हल्के हल्के थोड़े थोड़े ऐसे बाल बनाते जो ऐसे, देखो ये बहुत कम है बाल, ठीक है, ये वाले बाल कम है, थोड़े ऐसे हल्के हल्के ऊपर उठते जा रहे हैं बस, ठीक है, ये ऐसे भर के नहीं करना, ये वाले जो ऊपर की लेयर है। अब आते लेफ्ट साइड में, हाथ के नीचे एक पेपर रख लेना, यहाँ पे अब बहुत लाइटली होंगे, 8B की तरह यूज नहीं हो रहे, देख सकते हो ये ज्यादा डार्क बाल नहीं है, ठीक है, अरे हल्के हल्के बस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो जिसने अगर ऊपर आ दिए हो तो वो सेम चीज यही फॉलो करो, वरना ये इस तरीके से जाते जाते पीछे जाते जाते कम होते गए और ये यहाँ मिक्स, तो ये अपने बाल बन जाते। एक चीज बचता है, ब्रश लिया, ऐसे सर्कुलर चलाते गए बस ब्रश, ठीक है, दाढ़ी पूछे सब पे पर ऐसे सर्कुलर ये पूछो पे चला। अब जरा एक चीज ध्यान रखना, जॉ लाइन, ये अपना डार्क है, सबसे पहले से जॉ लाइन बना लो, ये आराम से चिन वाले पार्ट पे हुआ, ये यहाँ जॉ पे गए, ये ऊपर वाले हिस्से में हो गया ब्लेंड, ठीक है। अब इस तरीके से सर्कुलर चला लो बस, बहुत ज्यादा नहीं घिसना, ऐसे सर्कुलर चला लो ब्रश, और ये अपना दाढ़ी वाला पोर्शन हो गया। इस तरीके से अपना ऋतिक रोशन का स्केच कंप्लीट हो जाता है।
भाई इसी तरीके से अपना ऋतिक रोशन का स्केच कंप्लीट हो जाता है। देखो टेप लगाने का फायदा, कितना अच्छा एकदम क्रिस्प बॉर्डर आई है। ठीक है, बढ़िया।